सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुखी जीवन के 8 मंत्र। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। आज का पंचांग 23 अप्रैल 2020, दिन गुरुवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सम 4:05 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:35 से 3:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:34 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 23 अप्रैल 2020, दिन गुरुवार, अभी काम आपको बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है। अपने निर्णय और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इसे समय दें। आय और विरासत के नए स्रोत आपका इंतजार कर रहे हैं। रिश्तेदारों से दादा भतीजी या भतीजे के साथ एंजॉय करें। आपका यह समय खुशियों से भरा हुआ है। अपने इन अच्छे पलों को प्रियजनों के साथ बांटें। व्यावसायिक रूप से आप यह जानते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बेहतरीन कुशलता और व्यवहार दोनों हैं। जो लोग मंजिल पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपको अच्छी संभावनाएं मिलेगी। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप परिवार की ओर से संतुष्ट रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अच्छा आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए सकारात्मकता खोजने का दिन है। वर्तमान में जीने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप आज के सुंदर पलों को गवा दें और जीना ही भूल जाएं। अपने जीवन में आज अपने वरदान को देखने का प्रयास करें। आपको बहुत से सुंदर अवसर मिल रहे हैं। सावधानियां, अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुश रहें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके कारण आपके जीवन में बाहर है। परिवार के इच्छुक लोगों के लिए यह समय उपयुक्त है। जल्द ही शहनाई बजने वाली है। कानूनी समझौतों या टाइम अप से भी लाभ होगा। पैर और काम हर तरफ से यह दिन शुभ है। आग पे चारों ओर खुशियों की बहार है। आज आप उत्सुक और उत्साहित हैं व उन लोगों के संगत का मजा ले रहे हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अपने प्रेमी के लिए आपके मन में उमड़ता प्यार का सागर आपको प्रफुल्लित रखेगा। आपकी आंतरिक ऊर्जा ही दूसरे लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है और लोग आपसे प्यार करते हैं। करियर की बात करें तो आज कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए यह पल शुभ नहीं है। अपने दिल में झांके और भविष्य की योजनाएं बनाएं। पार्टनर और करीबी साथी के साथ समय बिताएं और यह रोमांटिक पल पूरी उम्र आपके दिल में रहेंगे। याद रखें, अभी जो आप बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। आज आप अच्छे मूड में हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे
जिनकी कंपनी आपको पसंद है। मजा मस्ती और पार्टी आज आपके दिमाग में केवल यही सब है। सेहत की बात करे तो आपको अपना स्वास्थ्य बिगड़ता नजर आएगा, परंतु वह सब छोटी मोटी बीमारियों के एक साथ होने के कारण हो सकता है। अपने दिमाग पर इनको हावी ना होने दें और अच्छे से उपचार कराएं, आप अच्छे हो जाएंगे। आज का उपाय, आज आप चंदन का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।